क्रिकेट न्यूज वर्ल्ड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी राजीव कुलकर्णी के बारे में। इनका जन्म 25 सितंबर 1962 को मुंबई में हुआ। यह है 60 साल के हैं। ये राइट हाथ के बल्लेबाज और फास्ट मीडियम गेंदबाज थे। टेस्ट डेब्यू की बात की जाए तो 15 अक्टूबर 1986 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया। अंतिम टेस्ट मैच इन्होंने 11 फरवरी 1987 को पाकिस्तान के साथ खेला। कैप का नंबर 175 था और मैच इन्होंने 3 खेले। रन इन्होंने 2 बनाए हैं। शतक अशतक कोई नहीं, हाई स्कोर इनका 2 है। और गेंदबाजी में इन्होंने 5 विकेट लिए हैं और 1 कैच पकड़ा है। वनडे डेब्यू की बात की जाए तो इन्होंने 17 दिसंबर 1983 को वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला। अंतिम वनडे मैच इन्होंने 26 मार्च 1987 को पाकिस्तान के साथ खेला। कैप का नंबर 46 था। मैच इन्होंने 10 खेले हैं। रन इन्होंने 33 बनाए हैं। शतक अशतक कोई नहीं, हाई स्कोर इनका 15 है और 10 विकेट लिए हैं और 2 कैच भी पकड़े हैं। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना। और दोस्तों, इससे ज़्यादा कोई जानकारी हमें मिल नहीं पाई है। और दोस्तों, इसकी जो मैं आपको इस वीडियो में इमेज दिखा रहा हूँ, ये आपने कमेंट करके बताना है कि इनकी है किसी और की। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।